بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ورب زدني علما. हम लेसन नंबर 23 के अंदर हैं जी और इंशाल्लाह तमारीन पढ़ लेंगे उसकी इंशाल्लाह. हमारे सामने तमारीन है तो इसको देख लेते हैं. तमारीन के अंदर पहली तमरीन ये है कि अजीब अनिल असलतिल आती है ना, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. तो देखिएगा पहला सवाल क्या है हमारे सामने. कम मुदर्रिसन जदीदन जा. हाँ जी, और इसका जवाब है जी कितने नए टीचर्स आए. इसका जवाब कैसे देंगे हम. जा खमसतु मुदर्रिसीन जुदुदीन. हाँ, जा खमसतु मुदर्रिसीन जुदुदीन जुदुदीन. दूसरा सवाल क्या है हमारे सामने. कम तालिबन वजदल मुदर्रिसु फिल फसली. कम तालिबन वजदल मुदर्रिसु फिल फसली. सवाल क्या है, कितने तालिब इल्म टीचर ने क्लासरूम में कितने तालिबे इल्म पाए. हाँ, टीचर ने क्लास के अंदर कितने तलबा को पाया है. कम तालिबन वजदल मुदर्रिसु फिल फसल. टीचर ने कितने स्टूडेंट को क्लास में पाया, तो कितने स्टूडेंट को पाया था. कम तालिबन वजदा वजदल मुदर्रिसु خمسةٌ وعشرين طالباً فقط. وجد المدرس خمسةٌ وعشرين طالباً. نمبر تین ہے ہمارے سامنے. لمن الكتاب. لمن کا مطلب کس کی ہے, کس کی کتاب. یہ اس کا آتھر کون ہے, یہ مطلب نا. لمن کا مطلب کیا ہوتا ہے, کس کا کس کی. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ who is the author of this book, who is the author of the book. یہ مطلب ہوتا ہے اس کا, یاد رکھیے گا. تو لمن الكتاب یعنی author of this book, یعنی دا بک قصص النبیین جو کتاب ہے اس کا آتھر کون ہے. تو لمن الکتاب قصص النبیین, جو قصص النبیین جو کتاب ہے اس کا آتھر کون ہے. ہوا لفضیلۃ الشیخ. ہاں, تو اب ہم جواب میں کہیں گے کہ ہوا لفضیلۃ الشیخ ابی الحسن الندوی. نمبر چار کا سوال کیا ہمارے سامنے بتائیے گا. کم صفحتن فی. اس سوال کا مطلب کیا ہو رہا ہے, کتنے صفحے ہیں اس میں. ہاں, یعنی کتاب میں, اس کتاب کے اندر کتنے صفحات ہیں. کم صفحتن فی کتاب کی طرف ہے, یعنی فی الکتابی, کتاب کے اندر کتنے صفحات ہیں. کم صفحتن فی الکتابی, تو کتنے صفحات ہیں کتاب کے اندر. فیہ تسعون صفحتن. نمبر پانچ کا سوال کیا ہے بتائیے. کم صفحتن قرأ الطلاب. سوال کا مطلب بتائیے مجھے. طلاب اسٹوڈنٹس نے کتنے صفحے پڑھے. ہاں, اسٹوڈنٹس نے کتنے صفحات پڑھے. کم صفحتن قرأ الطلاب, کتنے صفحات پڑھے طلبا نے, تو کتنے پڑھے تھے. کم صفحتن قرأ الطلاب قرأوا 53 صفحتن. ہاں, قرأوا 53, کتنے ہو, کتنے پڑھے تھے. 53 عدد اور معدود کا ہمیں فارمولہ یاد ہونا چاہیے کہ اگر معدود مؤنث ہے تو عدد کا پہلا ٹکڑا جو ہے نا مذکر لائیں گے, اپوزٹ لائیں گے, بس خلاص اپوزٹ لائیں گے. معدود اور عدد اور معدود کے اندر دیکھیں گے کہ معدود کیا ہے, اس کے حساب سے عدد کا پہلا ٹکڑا اپوزٹ لائیں گے. معدود مؤنث ہے تو اس کو مذکر استعمال کریں گے. نمبر 6 کا سوال کیا ہے ہمارے سامنے. بکمشتر المدرس الحقیبہ. سوال کا مطلب کیا ہے. ٹیچر نے یہ بیگ کتنے کا خریدا. بس بیگ, ٹیچر نے بیگ کتنے میں خریدا. بکمشترا, جواب دیجیے گا. بکمشترا بثمانین ریالا. ہاں, تو
इश्तराहा बेसमानीना रियालन, या इश्तरल मुदर्रिस वल हकीबत बेसमानीना रियालन। तो जवाब को लंबा भी कर सकते हैं हम या मुख्तसर भी दे सकते हैं। हम कह सकते हैं कि इश्तराहा बे समानीना, तो हाँ कह देंगे तो अल हकीबा की तरफ चले जाएगी वो ज़मीर। इश्तराहा बे समानीना रियालन, इस तरह के अंदर हुआ कि जो ज़मीर है वो अल मुदर्रिस की तरफ चली जाएगी। तो उसने उसको खरीदा यानी टीचर ने बैग को खरीदा, तो ऐसा भी कह सकते हैं हम। तो हम कह सकते हैं इश्तरा अल मुदर्रिस अल हकीबत बिथमानीना रियालन, या इश्तराहा बिथमानीना रियालन। अच्छा, अब जो है ना हमारे सामने उसके बाद क्या सवाल है हमारा। अच्छा, अब ये देखिए कि तमरी नंबर दो, तो तमरी नंबर दो के अंदर क्या लिखा हुआ है। इक्रा अल अमثله الاتيه لجمع المذكر السالم। हाँ, आने वाली जो मिसालें हैं उनको पढ़िए। हाँ, और इसमें बताए जमा सालिम के साथ पढ़िए। जी, इक्रा अल अमثله الاتيه, दर्ज ज़ेल जो मिसालें हैं उनको पढ़िए। किसकी मिसालें हैं या नीचे जो लिखे हुए सारे मुज़क्कर सालिम। हमने जो पैटर्न पढ़ा हुआ है मुहंदिसून मुहंदिसीन उन यीन का फार्मूला हमको समझ में आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, है नहीं। तो आमतौर पर मरफू की हालत में एराब दम्मा का होता है, और मंसूब का एराब जो है ना फतहा का होता है। मरफू मरफू के एराब की अलामत क्या है? दम्मा। और मंसूब के एराब की अलामत क्या है? फतहा। और मजरूर के एराब की अलामत क्या है? कसरा। ठीक है, लेकिन जमा सालिम के अंदर दम्मा फतहा और कसरा नहीं आता है। एराब एराब की शक्ल दम्मा फतहा और कसरा के जरिए से जाहिर नहीं की जाती है जमा सालिम में, बल्कि वाव और या के जरिए से जाहिर की जाती है। बात समझ में आ गई जो मैंने कही जनाब पुलिस साहब? मैंने क्या कहा बताइएगा? जमा सालिम में जो जमा सालिम के अंदर एराब कैसे जाहिर होता है? एराब मरफू और मंसूब और मजरूर की जो हरकतें हैं, तो मरफू के अंदर दम्मा नहीं आता जमा सालिम में, बल्कि वाव आता है। ये दम्मा कसरा और फतहा से जाहिर नहीं होता, बल्कि वाव और या। हाँ, वाव और या से जाहिर होता है। और तो मरफू के अंदर दम्मा के बजाय वाव इस्तेमाल होता है, मंसूब के अंदर तो है ना फतहा की जगह पर या इस्तेमाल होता है, और मजरूर के अंदर कसरा की जगह पर या इस्तेमाल होता है। यानी या दोनों जगह पर, मंसूब और मजरूर दोनों जगह पर या इस्तेमाल होता है। तो वाव और या है ये इराब। इराब की हरकतें कौन सी है यहाँ पर? जमा सालिम के इराबी हरकतें क्या है? इराब की वाव और या है, ये समझ में आना चाहिए। तो देखिएगा, अब पढ़िएगा इसको, आप लोग पढ़िए और मुझे समझाइए। अल मुदर्रिसून फिल फुसूल। हाँ, क्या मतलब है इसका? जो टीचर्स है, टीचर्स क्लासेस में है। हाँ, टीचर्स क्लासेस के अंदर है। उसके बाद का क्या जुमला है? अइन अल मुहंदिसून, इसका मतलब क्या है? इंजीनियर्स कहाँ है? इंजीनियर्स कहाँ है? ये देखिएगा, अल मुदर्रिसून अल मुहंदिसून, तो देखिएगा वून और वून दोनों जगह पर वाव वाव है, तो ये मरफू की अलामत है। ये मरफू की अलामत है ना, मरफू यानी अलामत उसकी जो है ना रफा। अलामत और रफा क्या है? वाव है, है ना, दम्मा नहीं है, बल्कि क्या है? अलामत और रफा वाव। वाव है, याद रखना है इसको। असल में था अल मुहंदिसु तो अल मुहंदिसून। हाँ, अल मुदर्रिसो अल मुदर्रिसून है ना। अच्छा, तो अब ये देखते हैं नंबर तीन। हाउलाए तुल्लाबुन मुजतहिदून, हाउलाए तुल्लाबुन मुजतहिदून, इसका मतलब क्या है? वो तालिबे, ये तलबा मेहनती हैं। ये तलबा मेहनती हैं। हाउलाए तुल्लाबुन, ये तलबा मेहनती हैं। ये मेहनती तलबा है। दीज आर हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स। हाउलाए तुल्लाबुन मुजतहिदून, हाउलाए तुल्लाबुन ये मेहनती तलबा है। तो देखिएगा, मुश्तहिदुन की जमा मुश्तहिदून, और मंसूब और मजरूर होता है तो मुश्तहिदीन होता है, लेकिन यहाँ पर तुल्लाबुन की सिफत है यहाँ ना, तो तुल्लाबुन चूंकि मरफू है तो सिफत भी मरफू आती है। दोनों ट्विंस होते हैं, सिफत मौसूफ है ना, तो एक ही जैसे चलते हैं हमेशा। नंबर चार, अइन अहमद व अब्बास व यासिर। अच्छा, आप लोग पढ़िए इसको। कहाँ हैं अहमद और अब्बास और यासिर? हाँ, तो हम गाइबून मुंदु उस्बुईन। हाँ, हम गाइबून, देखिएगा वाव आ गया यहाँ पर, गाइबून। वाहिद वाहिद गाइबून जमा गाइबून गाइबीना गाइबीना, तो वाव जो है ना जमा, वाव जो है रफा है, है ना।
मरफू की हालत में गायबुना, हम गायबुना मुंद उसबुआइनी, मुंद हर्फ जर है, बा मिन इला हत्ता, आपने हरूफ जर्रा पढ़ा है कि मिन इला फी अला हत्ता, और है ना बा भी पढ़ा है, इसी तरह जो है मुंद भी हरूफ जर्रा उसी फैमिली में से, हरूफ जर्रा की फैमिली में से है ये, उसको ऐड कर दीजिएगा बाद में, तो हाँ उसको ऐड अगर किया है तो उसको याद रखिएगा कि मुंद जो है ना हर्फ जर है, तो इसके बाद जो है ना इसे चूंकि हर्फ जर है इसलिए उसबुआइनी मरफू होता तो उसबो आनी, डुअल का इराब पढ़ा कि नहीं अपने, मुसन्ना का इराब, तस्निया का इराब, डुअल का इराब, आने और आईने और आईने, मरफू वहां पर अलिफ और या है, डुअल का इराब देखिएगा, डुअल का इराब क्या है, मरफू है तो आने और मंसूब और मजरूर है तो आईने आईने, और जमा सालिम का इराब मरफू है तो ऊना, और मंसूब और मजरूर है तो ईना ईना, तो वहां ये समझ में आ गया कि नहीं, जमा सालिम और मुसन्ना का इराब कंफ्यूज नहीं होना है आपने, है ना, दो टीचर तो क्या कहेंगे, दो टीचर मुदर्रिसानी या मुदर्रिसैन, हाँ मरफू है तो क्या कहेंगे हम, मुदर्रिसाने मुदर्रिसाने, और मंसूब और मजरूर है तो क्या कहेंगे हम, मुदर्रिसैन, हाँ और मुदर्रिसैन और मुदर्रिसैन, और जमा अगर हो बहुत सारे टीचर्स तो मरफू की हालत में क्या कहेंगे, मुदर्रिसूना, और मंसूब और मजरूर में क्या कहेंगे, मुदर्रिसीना मुदर्रिसीना, तो ये दोनों कंफ्यूज नहीं करना है आपने, अपने आप को उसमें उलझाना नहीं अपने आप को, है ना, क्लियर है ये बात। अच्छा तो नंबर पांच पढ़िएगा, नंबर पांच, याबुदुल मुस्लिमून अल्लाह, हाँ याबुदुल मुस्लिमून अल्लाह, मुसलमान इबादत करते हैं अल्लाह की, तो याबुदु जो फेल है उसका फाइल है अल-मुस्लिमून, फेल है कि उसका फाइल कौन है, अल-मुस्लिमून, चूंकि अल-मुस्लिमून फाइल है और फाइल तो मरफू ही होता है, तो मरफू होने की वजह से वूना है, अदरवाइज मुस्लिमीना होता, मंसूब या मजरूर का कोई फैक्टर होता है तो, है कि नहीं, मंसूब या मजरूर का कोई फैक्टर होता है तो मुस्लिमीना मुस्लिमीना होता, यहाँ पर रफा वाला फैक्टर है चूंकि फाइल है, इस वजह से उसपे इसमें अल्लाह का वर्ड मफ़ऊल है, हाँ वो तो सिर्फ मुस्लिमों को, हमको मुस्लिमूना को देखना है सिर्फ, याबुदो जो फेल है उसका फाइल है अल-मुस्लिमूना, इसलिए मरफू है वो खलास, और याबुदो का मफ़ऊल भी अल्लाह है, इस वजह से वो मंसूब है, हाँ यानी इराबी हालत जो है ना नसब की है, मफूल भी कहने की वजह हम यूं कहेंगे लफ्ज अल्लाह के साथ में, कि लफ्ज अल्लाह जो है ना हालत नसब में है, मंसूब है ना, पाकिस्तानी यून है, ये तलबा इंडियन है और वो लोग पाकिस्तानी है, तो पाकिस्तानी यून की जगह पाकिस्तानी यून, पाकिस्तानी यीन, पाकिस्तानी यीन, मंसूब मरफू मंसूब मजरूर ऐसा आएगा। नंबर तीन देखिएगा, तो ये कह रहे कि इजमाइल अस्मा अल आतियता, नीचे जो अस्मा है उनकी जमा बनाइए, है ना, कौन सी जमा, जमा मुदक्कर इन, जमा मुदक्कर सालिम बनाइए, तो मुदर्रिसून की जमा मुदर्रिसून, हाँ मरफू है तो मुदर्रिसून और मंसूब और मजरूर है तो मुदर्रिसीना मुदर्रिसीन, तो दोनों जमा बोलिए, मुदर्रिसून मुदर्रिसीन मुदर्रिसीन, उसके बाद मुहंदिसून मुहंदिसीन, उसके बाद मुस्लिमून मुस्लिमीन मुस्लिमीन, उसके बाद काफिरून काफिरीन काफिरीन, उसके बाद गाइबून गाइबीन गाइबीन, हाँ मुश्तहिदून मुश्तहिदीन मुश्तहिदीन, हाँ और मुमिनून मुमिनीना मुमिनीना, सालिहून सालिहीना सालिहीना, जी। अच्छा नंबर चार की एक्सरसाइज है इकरामा यदी, नीचे जो चीज है पढ़िए, तो ये तो बहुत इजी है, इशरूना तालिबन इशरूना तालिबतन, ये देखिएगा इशरूना थलाथूना अरबऊना खमसूना सित्तूना सबऊना थमानूना और तिसऊना, है ना, यहाँ तक जो है ना ये जो स्टाइल है पैटर्न है, हमने बताया था कि इसको उकूद कहते हैं इनको, ये जो पैटर्न है कि नहीं, इसका नाम हमने बताया था आपको ना लास्ट इसमें, जी उकूद उकूद कहते हैं हम इसको, हमने बताया था आपको कि ये जो है ना इशरूना थलाथूना, क्योंकि टेन टेन का डिफरेंस हो रहा है जी, 20 के बाद 30 30 के बाद 40, तो ऐसा इसको उकूद कहते हैं, याद रखिएगा। अच्छा जो डिकेड्स है जी, अच्छा ये तालिबन और तालिबतन दोनों के साथ ऐसे ही रहेगा, वो जो रूल हमने पढ़ा हुआ है कि अपोजिट चलेगा, अदद और मादूद एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं, तो इसमें वो फार्मूला नहीं है, ये दोनों के लिए कॉमन है, इशरूना तालिबन और इशरूना तालिबतन, क्योंकि इशरूना का मुदक्कर मुअन्नस नहीं आएगा, वो दोनों के साथ चलता है, ये उकूद जो है उकूद दोनों के साथ एक ही चलेंगे, है कि नहीं, तो हमने जो रूल पढ़ा हुआ है वो ये उससे एक्सेप्शन है, ये जो है ना एक्सेप्टेड है उससे, है ना एक्सेप्टेड है। अच्छा ये समझ में आ गई बात जी, बिल्कुल, तो ये बात क्लियर है कि नहीं, है नहीं,
20 बैग्स, अगर हम कहेंगे कि 20 किताबें और 20 बैग, तो कैसे कहेंगे हम 20 किताबें, तो कैसे कहेंगे हम 20 किताबन, हाँ, और 20 बैग तो कैसे हकीबतन। देखिएगा, किताबन मुजक्कर है और हकीबतन मौनस है, लेकिन दोनों के साथ इशरूना ही चलेगा, दोनों के साथ यही चलेगा, इशरूना किताबन इशरूना हकीबतन। क्लियर है कि नहीं बात? जी बिल्कुल है। तो इसका फार्मूला याद रखिए आप। उसके बाद जो है, अब ये जो जब इश्रीन हो जाएगा तो पीछे हम देखेंगे कि इश्रीन क्यों हो रहा है, वरना वैसे इश्रून, हाँ इश्रून इश्रीन जी, वो अलग, वो तो अपना रूल बाकी रहेगा मरकू मंसूब मजरूर का, तो वो तो हम जो फैक्टर ढूंढ लेंगे वहां पर, जहां पर इश्रू है ना, अगर कोई फैक्टर नहीं है तो बाय डिफॉल्ट मरफू रहेगा, मरफू रहेगा बाय डिफॉल्ट, इराब जो है ना मरफू पढ़ा जाता है बाय डिफॉल्ट, अनलेस एंड अंटिल कोई फैक्टर हो वहां पर मनसूब करने का या मजरूर करने का, है कि नहीं? फिर और भी क्लियर बात हो जाएगी इंशाल्लाह आगे, है ना? तो अब ये देखिएगा इसमें तअम्मल मा यली, नीचे जो चीज़ है उस पर गौर कीजिए। तो देखिएगा मरफू और मंसूब और मजरूर है जी, तो पढ़िएगा इसको। दखल अल मुदर्रिसु, देखिए दखल अल मुदर्रिसु, दखल अल मुदर्रिसु, तो ये रफा की अलामत है, ये दम्मा क्या है, ब्रैकेट में दिया हुआ दम्मा ना, दम्मा, तो दम्मा किसकी अलामत हो रही है यहाँ पर, मरफू होने की, रफा की अलामत है। दखल अल मुदर्रिसु, दखल फ़ैल और मुदर्रिसु फ़ाइल, है कि नहीं? दखल फ़ैल और तो मैंने टीचर से पूछा, तो अलमुदर्रिसा मंसूब है यहाँ पर, ब्रैकेट में देखिएगा तो मंसूब की हरकत क्या है वहाँ पर, मंसूब होने की अलामतुल अलामतुल नसब क्या है वहाँ पर, फतहा, फतहा जबर है कि नहीं, फतहा है कि नहीं, है कि नहीं? अच्छा, साला चूंकि साला फेल है और अल मुदर्रिसा उसका फाइल है, है ना? तो उसका फाइल है, साला फेल है कि नहीं, अल मुदर्रिसा मफूल भी, मफूल भी है उसका, जी जी, साला फेल है तो उसका फाइल है, तू फाइल और दमीर और अल मुदर्रिसा मफूल भी है उसका, मफूल भी होने की वजह से मंसूब है वो, मंसूब की अलामत क्या है, मंसूब होने की अलामत क्या है, अलामत नसब क्या है वहाँ, फतहा है। अच्छा, उसके बाद जो है ना मजरूर, कुल तो लिल मुदर्रिसी, कुल तो लिल मुदर्रिस, मैंने टीचर से कहा, तो देखिएगा लाम की वजह से मजरूर है यहाँ पर, हरफ जर, हरफ जर की वजह से मजरूर है, तो जर की अलामत या मजरूर होने की अलामत क्या है, कसरा है, कसरा है ना जी। अच्छा, यही बात अगर जमा में जाएंगे तो हम कहेंगे दखल अल मुदर्रिसूना, बहुत सारे टीचर दाखिल है तो क्या कहेंगे, दखल अल मुदर्रिसूना, तो मुदर्रिसूना मरफू है कि नहीं जी, तो हालत रफा, अब यहाँ पर अलामत रफा क्या है, यहाँ पर वाव है, यहाँ पर लम्बा नहीं है, ऊपर देख रहे थे कि अलामत रफा क्या थी, दम्मा, यहाँ की ना ये जमा सालिम के अंदर अलामत रफा हमने पहले ही बता दिया आपको, वाव आता है, और सअल्तुल मुदर्रिसीना, अब ये देखिएगा अलामतुल नसब है ये, मैंने टीचरों से पूछा, सअल्तु तो सअला का जो मफूल भी है वो अलमुदर्रिसीना, तो मनसूब है ये, मफूल भी होने की वजह से क्या है, मनसूब है, और मनसूब अलामतुल नसब क्या है, यहाँ पर यह है, फतहा नहीं है, अलामतुल नसब फतहा नहीं है इसमें, तो हमने ये बात बता दी कि अलामतुल नसब इसमें या है ना। और कुल तो लिल मुदर्रिसीना, मैंने टीचरों से कहा, तो यहाँ पर जो है ना लाम की वजह से मजरूर है, अलमुदर्रिसीन, मुदर्रिसीन और या, और या वो, हाँ, और मजरूर की अलामत क्या है, या है, या। इसका मतलब वो हुआ कि सिंपल सी बात है, जमा सालिम मरफू की हालत में वून और मनसूब और मजरूर की हालत में यीन, यीन, बस इतना ही बात याद रखना है आपने, वो दूसरी एराबी हालत चेंज और साल तो इशरीनालिबन, अब देखिएगा साला फेल और तोफाइल और इशरीना जो मंसूब है मफूल होने की वजह से, मफूल भी है, तो ये जो गिनती है कि नहीं, इशरूना सलासूना है ना, अरबऊना और तिसऊना तक, तो ये भी जमा सालिम का पैटर्न है, हमने बताया था आपको पढ़ते पढ़ते कि ये भी जमा सालिम के पैटर्न में आता है, क्योंकि इसके अंदर वून और यीन आता है, या तो मरफू होगा तो इशरूना, और मंसूब और मजरूर है तो इशरीना इशरीना, तो यहाँ पर देखिएगा दखल इशरूना, देखिएगा मरफू है, दखल इशरूना तालिबन, तो इशरूना, देखिएगा ये जो ये पैटर्न है जमा सालिम का पैटर्न है, तो वही रूल इस पर भी चलेगा, फिर वही रूल इस पर भी चलेगा तो दखल इशरूना तालिबन है ना। अच्छा, और सअल तो इशरीना तालिबन, सअल तो इशरीना तालिबन, मैंने 20 तलबा से पूछा, तो साला जो फेल है उसका मफूल भी है इशरीना, इसलिए मनसूब है। और कुल तो इशरीना तालिबन, मैंने 20 तलबा से कहा, तो लाम की वजह से मजरूर है इशरीना,
है नहीं? तो ये मजरूर की हालत में भी इश्रीना, ये बात क्लियर हो गई। अच्छा नंबर छह, एक सवाल है जी, इश्रीना यहाँ पे मफूल भी और तालिबन हमारा यहाँ पर वो तो मादू, वो तो तमीज हो गई उसकी, तमीज कहते हैं ना हम अदद के बाद, मादूद कहिए या तो फिर उसको मादूद है ना, वो तो हमेशा वैसे ही आएगा ना, अदद मादूद है ना, वो तो है तो मादद मादूद, लेकिन उस पर ये जो इशरून इशरीन इशरीन अदद है कि नहीं, लेकिन इस पर जो है ना एराबी जो हरकत आ रही है वो जमा सालिम के अंडर में आ रहा है बस, और बाकी तो वो अदद ही है वो, लेकिन ये जो इशरून सलासून अरबाउन खमसून या तिसून और तिसीन तक जो है ना उस पर जमा सालिम का रूल लागू होता है बस एराब में, अदरवाइज अदद ही है वो, कोई मसला नहीं है उसमें, है ना? वो थोड़ा सा सवाल लगा वगैरह का पूछ लिया तो है तो अदद ही वो, लेकिन जो है ना चूंकि वो इशरीन 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 जमा सालिम के पैटर्न अंडर में आता है ये रु एराब के एतबार से, है ना? अच्छा नंबर छह, अकमिल जुमल आतिया था, नीचे जो जुमले उनको मुकम्मल कीजिए, बेवद बेवद कलिमाती अल्लती बैना कौसैन, उन अल्फाज को रखकर जो कि बैना कौसैन है दो दो ब्रैकेट्स के अंदर है, तो ब्रैकेट्स के अंदर जो अल्फाज हैं उनको रखकर जो है ना आप जुमले को मुकम्मल कीजिए, फिल अमाकिन खालियती, नीचे जो खाली जगह है वहाँ पर। तो मिसाल इन्होंने दे दी है कि सअलतुल मुदर्रिसीना, मैंने टीचर हजरात से पूछा, तो ब्रैकेट में दिया था इन्होंने मुदर्रिसून, लेकिन हमने जो है ना उसको शक्ल बदल दी उसकी, सअलतुल मुदर्रिसूना नहीं रखना है हमने, सअलतुल मुदर्रिसीना कहना है कि नहीं हमने वहाँ पर, सअला जो फेल है उसका मफूल भी बनाना है कि नहीं, और तो जो है ना फाइल बन गया उसका, है कि नहीं जी। अच्छा तो आप नंबर एक को पढ़िए और रखिए, नंबर एक पढ़िए जुमला, युहिब्बुल मुदर्रिस, युहिब्बुल मुदर्रिसु अत्तुल्लाब 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 अल मुजिद, अब ब्रैकेट में दिया हुआ अल मुश्तहिदूना, तो यहाँ पर अत्तुल्लाब की सिफत लाना है हमको, सिफत लाना के तो टीचर पसंद, टीचर मोहब्बत करता है मेहनती तलबा से, बात क्या कही जा रही है जुमले में बताइए, टीचर मोहब्बत करता है मेहनती तलबा से, मेहनती तलबा से, तलबा से, तो अल मुश्तहिदून जो है ना सिफत किसकी है, अत्तुल्लाब की, अत्तुल्लाब की है कि नहीं, अल मुश्तहिदी, तो अत्तुल्लाब चूंकि मंसूब है ना, अत्तुल्लाब क्या है मंसूब, मंसूब है, युहिब्बु जो फेल है उसका मंसूब, युहिब्बु जो फेल है उसका मफूल भी है कि नहीं, और युहिब्बु जो फेल है उसका फाइल अल मुदर्रिसु, अल मुदर्रिसु, युहिब्बुल मुदर्रिसु, युहिब्बुल मुदर्रिस, है ना, तो अल मुदर्रिसु फाइल और अत्तुल्लाब उसका मफूल भी हो गया और मफूल भी मंसूब होता है, तो अल तो अत्तुल्लाब की सिफत अल मुश्तहिदून कहेंगे कि अल मुश्तहिदीन कहेंगे, फिर हम चूंकि मंसूब है ना अत्तुल्लाब, तो इसलिए अल मुश्तहिदीना कहना होगा हमें, क्लियर है बात, ये अल मुश्तहिदूना एज इट इज नहीं रखेंगे, अल मुश्तहिदीना बनाना पड़ेगा उसको, अल मंसूब कर देना पड़ेगा उसको। चलिए नंबर दो, رأيتُ ثلاثين طالباً. رأيتُ ثلاثين طالباً. طالباً. رأيتُ ثلاثين طالباً. اب رأيتُ ثلاثون طالباً نہیں کہہ سکتے ہم. کیونکہ مفعول بھی ہے. کیونکہ مفعول بھی ہے. رأى جو فعل ہے اس کا. رأى ہے کہ نہیں فعل اس میں. تو اس کا فاعل نا. فاعل. تو رأى جو فعل ہے اس کا مفعول بھی ہے طالباً. ثلاثين. ثلاثين. ثلاثين اس کا مفعول بھی ہے. ٹھیک ہے. تو رأيتُ ثلاثين طالباً. क्लियर है बात ये जनाब वली साहब जी, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़िए, नंबर तीन का जुमला पढ़िए, युहिब्बुल्लाहुल मुस्लिमीना, अल्लाह मोहब्बत करते हैं मुसलमानों से, मुस्लिमों से, है नहीं? तो युहिब्बु जो फेल है उसका लफ्ज अल्लाह फाइल है, फाइल है, और उसका मफूल भी क्या है फिर, अल मुस्लिमीना, इसलिए युहिब्बुल्लाहुल मुस्लिमीना नहीं कह सकते अब हम यहाँ पर, है ना, अल-मुस्लिमीन, अल-मुस्लिमीन कहेंगे वहाँ पर, युहिब्बुल्लाहुल मुस्लिमीन, है ना। चलिए उसके बाद नंबर चार का, क़रातु खमसीना सफ़हतन, क़रातु खमसीना सफ़हतन, क्यों कहेंगे हम खमसीना यहाँ पर, क्या रीज़न है, खमसीना कहेंगे खमसूना नहीं, खमसा जो है ये मंसूब है और नहीं, खमसूना क्यों, खमसूना के बजाय खमसीना कहना होगा यहाँ पर, करा तो खमसीना कहेंगे कि नहीं, खमसा जो है ये असल मफूल भी बन जाएगा, हाँ, खमसा नहीं बल्कि खमसून, 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 खमसीन ना, तो फिर ये करा तो खमसीना सफ़हतन, हाँ, तो खमसीना कहेंगे यहाँ पर, तो खमसीना क्यों कहेंगे हम, मफूल भी, मफूल भी होने की वजह से, मफूल भी मंसूब होता है, तो मंसूब होने की वजह से खमसीना कहेंगे हम यहाँ पर, खमसीना, क्लियर है बात, करा जो फेल है उसका मफूल भी कहेंगे उसको हम, क्लियर है कि नहीं बात जी, बिल्कुल। अच्छा उसके बाद नंबर पाँच की एक्सरसाइज है, एक और रहता है, सअलतुल मुहंदिसीन, हाँ वही पांच नंबर की जी, सअलतुल मुहंदिसीन, सअलतुल मुहंदिसीन, मुहंदिसीन, तो हम अल मुहंदिसीन क्यों पढ़ रहे हैं, मंसूब पढ़ रहे हैं कि मजरूर पढ़ रहे हैं, ये मंसूब पढ़ रहे हैं, मंसूब पढ़ रहे हैं हम, और उसका मंसूब क्यों पढ़ रहे हैं हम, मफूल भी होने की वजह से, किसका मफूल भी होगा, वो सअला फेल का, सअला जो फेल है उसके अंदर उसका मफूल भी होगा, तो उसका फाइल बन जाएगा फिर, मैंने पूछा
जी बिल्कुल क्लियर है। नंबर सात की एक्सरसाइज पढ़ना है कि अम्मनिल मिसाल, मिसाल पर गौर कीजिए, है ना, और सुम्मा अज़िफ, फिर इजाफा कीजिए, फिर बढ़ाइए, फिर ऐड कीजिए, अल कलिमातिल आतियता, नीचे जो अल्फाज हैं उनको ऐड कीजिए आप, है ना, किस में ऐड कीजिए, अल कलिमातिल लती बैना क़ौसैन, ब्रैकेट के अंदर जो अल्फाज हैं उनके साथ ऐड कीजिए, तो यानी एक लफ्ज को दूसरे लफ्ज के साथ मिलाना है, है ना, जोड़ना है। तो कहेंगे कि मिसाल के तौर पर अबनाउल मुदर्रिस, अबनाउल मुदर्रिस, मुदर्रिसी टीचर के बेटे, टीचर के बेटे, लेकिन जमा होगा तो अबनाउल मुदर्रिसीना है कि नहीं, अल मुदर्रिसीना, अबनाउल मुदर्रिसीना। तो अब नंबर एक पढ़िए आप, बुयूतुल मुहंदिसीना, बुयूतुल मुहंदिसीना, क्यों क्यों पढ़ना चाहिए हमने बुयूतुल मुहंदिसीना, बुयूतुल मुहंदिसूना क्यों नहीं पढ़ना चाहिए हमने, ये फाइल, ये क्या कहते हैं, मुदाफ मुदाफले है, मुदाफ और मुदाफले है, बुयूत जो लफ्ज है मुदाफ है, इब्राहिम साहब समझ आ रही है आपको, बुयूत जो लफ्ज है मुदाफ है और लफ्ज अल मुहंदिसीन क्या है, मुदाफले, मुदाफले है, ये कंस्ट्रक्शन जो है ना मुदाफ और मुदाफले वाला, और मुदाफले हमेशा मंसूब होता है, मुदाफले हमेशा मजरूर होता है। अच्छा जनाब, होशियार है आप, मतलब जाग रहे, चलिए अच्छा, मैं सोच रहा था, चेक कर रहा था जाग रहे वगैरह की नहीं अंदर। अच्छा तो मजरूर, जो मुदाफले मजरूर होता है हमेशा, मुदाफले क्या होता है हमेशा, मजरूर होता है, मजरूर होता है। उसके बाद नंबर दो पढ़िएगा, यहाँ पर भी क्या रीजन है, मुदाफिले होने की, मुदाफिले हमेशा मजरूर होता है। अच्छा उसके बाद नंबर तीन पढ़िए, अमीरुल मुमिनीना, पूरा पढ़िएगा, अमीरुल मुमिनीना, मुमिनीना ऐसा पढ़िए, तो यहाँ पर भी वही बात है, वही बात है नहीं, मुदाफिले होने की वजह से मजरूर। उसके बाद नंबर चार, इमामुल मुस्लिमीना, इमामुल मुस्लिमीना, वही बात है, मुदाफिले होने की वजह से मजरूर है। नंबर पांच, बक्काल कहते हैं शॉपकीपर, शॉपकीपर है ना, दकाकीन दुकान की जमा, दकाकीन बक्कालीना, शॉपकीपर्स की दुकानें, तो वही बात है, मुदाफिले होने की वजह से मजरूर है, बक्कालून बक्कालीन, दीन। नंबर छह पढ़िए, दीनुल काफिरीना, देखिए फिर वही बात है, मुदाफिले है और मजरूर है, इसका क्या मतलब है, दीनुल काफिरीना, काफिरों का दीन, अच्छा काफिरों का दीन। अच्छा नंबर आठ की, नंबर आठ एक्सरसाइज है, तअम्मलिल मिसाल, मिसाल पर गौर कीजिए, ثم اكمل الجمل الاتيه, था फिर नीचे जो जुमले उनको मुकम्मल कीजिए आप, بوضع الكلمات التي بين قوسين في الفراغات, है ना, खाली जगहों के अंदर जो बैन अलकौसैन, जो ब्रैकेट में जो अल्फाज दिए हुए उनको रखिए। एक मिसाल हम उन्होंने दे दी है डॉक्टर साहब ने, कि قلت للمدرس, मैंने टीचर से कहा, और जमा की शक्ल में कहेंगे قلت للمدرسين। नंबर दो पढ़िए, नंबर एक, ابحث عن المدرسين, ابحث عن المدرسين, ترجمہ کیا کریں گے ہم اس کا, आई एम सर्चिंग फॉर टीचर्स, हाँ मैं टीचर हजरात को ढूंढ रहा हूँ। तो यहाँ पर अल-मुदर्रिसीना क्या पढ़ रहे हैं हम, मजरूर, मजरूर, मजरूर किस वजह से पढ़ रहे हैं, यहाँ पर अन हरफ़ जर की वजह से मजरूर पढ़ेंगे हम, जी अन हरफ़ जर है। नंबर दो, सारे हरूफ जर्रा को लिखिएगा, एक ग्रुप बनाइएगा हरूफ जर्रा का एक ही पेज पर, और उसमें ऐड करते रहिए, नया कोई हरफ़ जर मिलेगा तो अच्छा, इसको ऐड कीजिएगा उसमें, चेक कीजिएगा है कि नहीं उसमें। इस तरह तो हादल किताब है, हाँ बिखम्सीन रियालन, हाँ रियालन, रियालन, हाँ वो तो वैसे ही रहेगा, खम्सून खम्सीन पर वो करना है, ब्रैकेट का जो लगे, हाँ इस तरह तो हादल किताब है बिखम्सीन, क्या मतलब होगा इसका, इसका मतलब मैंने ये किताब 50 रियाल की खरीदी जी। तो अब खम्सीना क्यों कह रहे, क्या रीजन है यहाँ पर, बाकी वजह से बाहर फे जर है, बाहर फे जर है, ठीक है। अच्छा उसके बाद जो है ना नंबर चार पढ़िएगा, नंबर चार का पढ़िए एक्सरसाइज, तीन का, कुल्तु जी, नंबर तीन पढ़िए, कुल्तु लिल मुहंदिसीना, मैंने इंजीनियर हजरात से कहा, तो यहाँ पर भी अल मुहंदिसीना क्यों पढ़ रहे हैं, मजरूर, लाम की वजह से, लाम भी हर्फ जर है, लाम भी हर्फ जर है, इसका मतलब अन और बा और लाम ये सब हुरूफ जर्रा में से है। हमने बुक वन में बहुत सारे हुरूफ जर्रा पढ़े थे, मिन पढ़ा था हमने, इला पढ़ा था, फी पढ़ा था, आला पढ़ा था, है नहीं, उसके बाद जो है ना अन और बा और लाम ये भी हुरूफ जर्रा में से, और मुंजो भी हुरूफ जर्रा में से, तो हुरूफ जर्रा में सारा चेक कीजिएगा और इनको पेंसिल से निशान लगाइए यहाँ पर, बा और उसको हो जा, बा को और लाम को और आयन को हो अंडरलाइन कीजिए और लिखिए हुरूफ जर, है ना, ताकि जो है ना आपको हुरूफ जर्रा के अंदर ऐड करने में सहूलत हो जाए। नंबर चार पढ़िएगा, سمعت هذا الخبر من المدرسين, हाँ سمعت هذا الخبر من المدرسين,
मैंने ये खबर टीचर से सुनी, टीचर हजरात से सुनी, टीचरों से सुनी, टीचरों मैंने ये खबर किससे सुनी, टीचरों से सुनी, टीचरों से सुनी। तो अब ये अलमुदर्रसीना क्यों मजरूर पढ़ रहे हम, मिन की वजह से, मिन की वजह से। आप देखिए मिन भी हरफ जर है, तो सारा चेक कीजिएगा, री चेक कीजिएगा अपने हरूफ जर्रा के ग्रुप को, सारे है कि नहीं आपके पास वहां पर, है कि नहीं। चलिए नंबर पांच, हाज़िह जाइज़तु लित्तुलाब अल-मुज्तहिदीन, हाज़िह जाइज़तु, जायजा का मतलब होता है प्राइज, इनाम। ये इनाम किसके लिए है, मेहनती तलबा के लिए। तो हाज़िह जाइज़तु, याद रखिएगा इस लफ्ज को, जायजा नया लफ्ज है आपके लिए ना जी, नहीं हाँ। तो जाइज़तु का मतलब क्या होता है, प्राइज, इनाम। तो ये इनाम या ये प्राइज मेहनती तलबा के लिए। तो ये देखिएगा, लित्तुलाब अल-मुज्तहिदीन, आप अल-मुज्तहिदीन को क्यों मजरूर पढ़ रहे हैं हम बताइएगा, लित्तुलाब जैसी मौसूफ वैसी सिफत, हाँ। तो लाम की वजह से तुल्लाब जो लफ्ज है वो मजरूर है, और अल-मुज्तहिदीन जो है ना सिफत आ गई तुल्लाब की, तो सिफत जो मौसूफ का इराब पढ़ते हैं वही सिफत के भी इराब पढ़ते हैं, इराब के अंदर मौसूफ और सिफत एक जैसे रहते हैं हमेशा, ट्विंस होते हैं वो। तो अल-मुज्तहिदीन को हम मजरूर पढ़ रहे हैं तुल्लाब की वजह से, सिफत होने की वजह से। नंबर नौ पढ़िएगा, इक़रा मा यली, नीचे जो चीज़ें हैं उनको पढ़िए, थुम मक्तुब हो, फिर उसको लिखिए, माँ किताबत अरकामी अलवारदत फ़ीही बिलहरूफ, और इसके अंदर जो अरकाम है नंबर से उनको हरूफ में, वर्ड्स में लिखिएगा। ये क्या कह रहे हैं कि नीचे जो जुमले लिखे हैं उनको पढ़िए, फिर इनके अंदर जो नंबर से हैं 50 50 50 ऐसे है ना नंबर से, उनको जो है ना हरूफ में कन्वर्ट करके पढ़िए, है ना। तो लिखना है आपको उसमें, फिर अपने नोटबुक में या पेन में, अपने किताब में या नोटबुक में लिख लीजिएगा। तो हम पढ़िए इसको, इंदी खम्सूना रियालन, हाँ इसको पढ़ेंगे हम, इंदी खम्सूना रियालन, मरफू पढ़ेंगे इसको हम, क्या पढ़ेंगे हम इसको, मरफू। नंबर दो का जुमला पढ़िए, रायतु खम्सीना तालिबन, अब यहाँ पर देखिएगा, आप दोनों जगह पर देखिएगा, ऊपर भी 50 है नीचे भी 50 है, लेकिन एक जगह हम पढ़ रहे हैं खम्सूना पहले, अब यहाँ पर खम्सूना नहीं कह सकते, अब हम रायतु खम्सूना नहीं कह सकते, अब खम्सीना क्यों कहना चाहिए हमने, खम्सीना, खम्सीना क्योंकि ये मंसूब भी है, मफ़ूल भी है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तो रा जो फेल है, रा जो फेल है, रा जो फेल है, उसका मफ़ूल भी ही है, मंसूब हो गया, यानी मंसूब हो गया तो ये ना, क्लियर है बात। तो रायतु खम्सीना तालिबन फिल क़ाअति, क़ाअतुन का मतलब हॉल, क़ाअतुन का मतलब क्या होता है, हॉल, मैंने हॉल, हॉल है ना, सही, कॉलेज का हॉल, यूनिवर्सिटी का हॉल, लेक्चर हॉल, तो हॉल को कहते हैं क़ाअतुन, लेक्चर हॉल को कहेंगे क़ाअतुल मुहादरात, मुहादरा का मतलब होता है लेक्चर, मुहादरा का मतलब क्या होता है, ये बुक थ्री में पढ़ेंगे आप लोग लफ्ज। और लेक्चरर को कहते हैं मुहादिर, लेक्चरर को क्या कहते हैं हम, मुहादिर, और लेक्चर लेक्चरर को कहते हैं मुहादिर ज़ात के साथ में, सही, लेक्चरर को कहते हैं मुहादिर, और लेक्चर को कहते हैं मुहादरा, मुहादरा, और लेक्चर हॉल को कहेंगे क़ाअतुल मुहादरात, कॉन्फ्रेंस हॉल को कहेंगे क़ाअतुल मुअतमर, कॉन्फ्रेंस को अरबी में कहते हैं मुअतमर। ये सब बुक थ्री के अंदर पढ़ना है आपने, इसलिए जल्दी जल्दी आगे बढ़िए। तो बुक थ्री में जो है ना आप जो है ना इंशाल्लाह बहुत सारी नई चीज़ें, सारी नई चीज़ें पढ़ेंगे उसमें, तो है कि नहीं। अच्छा, अलका होता हॉल, मुहादिर होता लेक्चरर, मुहादरा होता लेक्चरर जी। अच्छा, तो और कोई लफ्ज़ बता, हाँ बस इतना याद रखिएगा कि मुहादिर और मुहादरा है ना, क़ाअतुन याद रखिएगा है ना, जायज़तुन याद रखिए, जायज़तुन है प्राइस, हाँ। तो क़ाअतुन हॉल, हॉल है ना, क़ाअतुन हॉल। तो रायतु खम्सीना तालिबन फिल क़ाअति, मैंने हॉल के अंदर 50 स्टूडेंट्स को देखा। नंबर तीन पढ़िए, اشتريت هذا اشتريت هذا المعجم بخمسين دولارا دولارا بخمسين دولارا اب یہاں پر 50 کیوں پڑھ رہے ہیں ہم باقی وجہ سے پڑھ رہے ہیں مجرور ہو گیا یعنی پھر باقی وجہ سے پڑھ رہے ہیں یہ مجرور ہو گیا چلیے نمبر 4 پڑھیے قرأت 60 صفحة मैंने 60 पेजेस पढ़े। तो 60 क्यों पढ़ रहे हैं, मफ़ूल भी है, मंसूब है कि मजरूर है, ये है मंसूब, मंसूब है, क़रा जो फ़ेल है उसका मफ़ूल भी है, मफ़ूल भी है और मंसूब है, इसे मफ़ूल भी है तो मंसूब है। चलिए नंबर 5 को पढ़िए, फी हाज़िल मजल्लत, फी हाज़िल मजल्लत, फी हर में जाए कि नहीं जी, फी की वजह से फी का जो इराब पड़ा हादे ही पर ना, फी 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 के बाद जो हर्फ आता है मजरूर पढ़ते हैं कि नहीं, मजरूर जी। तो हादे ही जो लफ्ज है मजरूर है अंदर से, इनवर्डली ठीक है, आउटवर्डली निर्वर्ड है उसका इराब, तो हादे ही जो है ना वो मजरूर है ठीक है। अब ये हादे ही का इराब जो है ना उस पर जाएगा अल मजल्ला पर, तो फी हादे ही मजल्लती होगा,
इसको मुबदल, बदल और मुबदल कहते हैं इसको हम, याद रखिएगा। हाजा और हादे ही के, हाजा और हादे ही जिस एराब में जो भी एराबी हालत होगी, हाजा और हादे ही की उसके बाद जो लफ्ज होगा उसका भी वही एराब होगा, और उसको कहते हैं बदल, बदल मुबदल, ऐसा बदल कहते हैं। तो अल मजल्ला जो ना बदल हो जाएगा एराब के अंदर, है नी, समझ आ रही है बात मैंने जो कही वली साहब? लफ्ज हाजा और हादे ही एराब कि जो भी उसके हालत अगले लफ्ज के साथ वही जो है ना इफेक्ट पड़ेगा उस पर, बदल जाएगा, है ना। तो अगर हादा और हादी की पोजीशन मरफू की है तो उसके बाद जो लफ्ज लगा हुआ है वो भी मरफू, वो भी जो है ना मरफू पड़ा जाएगा। हारा हादा और हादी अगर मनसूब की शक्ल में पढ़ रहे हैं तो उसके बाद जो लफ्ज लगा हुआ है उसको भी मनसूब, और हादा और हादी अगर मजरूर की शक्ल में इस्तेमाल हो रहा है तो अगला भी मजरूर, अगला भी मजरूर होगा। और इस तरकीब को, इस कंस्ट्रक्शन को बदल और मुबदल मिनहो कहते हैं, बदल और मुबदल मिनहो, हाँ, बदल यानी मजल्ला यहाँ पर बदल होगा और हादी ही मुबदल मिनहो होगा, इससे हमने एराब को कॉपी किया है, है कि नहीं। तो फी हादी ही, फी की वजह से मजरूर जर हो गया, फी हर्फ जर है तो फी का एराब हादी ही पर पड़ा, तो हादी ही क्या हो गया, मजरूर की नहीं, जर को ऊपर नहीं ढूंढना, अंदर है वो जर छुपा हुआ, ठीक है। तो हादी मजरूर हो गया, तो हादी के बाद जो इमीडिएट जो लफ्ज है वो अलमजल्ला है यहाँ पर, तो इसको अलमजल्ला तो अलमजल्ला था नहीं पढ़ सकते, सही आजना वली साहब, अलमजल्ला तो अलमजल्ला था नहीं पढ़ सकते, क्या पढ़ना चाहिए हमने, अलमजल्लाती, क्यों, रूल क्या है, हादी का जो हादी के बाद जो लफ्ज लगा हुआ रहता है वो क्या करते हैं, हादी का जो इराब है वो इराब उसको देते हैं, आगे दे देंगे, तो हादी इस कंस्ट्रक्शन को हम बदल और मुबदल मीनों कहते हैं, है नहीं। तो हादा और हादी के बाद जो लफ्ज आता है उसको बदल कहते हैं, बदल कहते हैं, हादा और हादी के बाद जो लफ्ज आता है उसको बदल, और हादा और हादी को मुबदल मिनो कहेंगे, क्लियर है। अच्छा, तो फी हादी अल मजल्लती अरबऊना सफातन, अब है नहीं, अब यहाँ पर अरबईना नहीं कह सकते, ये जो है ना मुक्तदा है असल में, फी हादी अल मजल्ला ये खबर है असल में, और खबर पहले कभी कभी जो नाम बताते हैं खबर, आमतौर पर खबर बाद में आती है, मुक्तदा और खबर हमने बताया था, मुक्तदा और खबर दो चीजें हमेशा मरफू होते हैं, मुक्तदा और खबर हमेशा मरफू, ये रूल है ऐसा, है ना। और दूसरा रूल ये कि मुक्तदा हमेशा पहले होता है और खबर हमेशा बाद में होती है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन ऐसे कि जिसमें खबर पहले होती है, तो फी हादिल मजल्ला ये खबर की शक्ल में है यहाँ पर, तो अरबाउना सफतन ये मुक्तदा है असल में, अरबाउना जो है ना मुक्तदा की शक्ल में, और मुक्तदा क्या होता है, मरफू होता है, मरफू, तो हम अरबाउना पढ़ेंगे, अरबईना नहीं पढ़ेंगे यहाँ पर, आज ना क्लियर हो रही है बात जी, तो हम थोड़ी थोड़ी हो रही है, नहीं ये बात क्लियर है, अरबाउना सफतन पढ़ेंगे, अरबईना नहीं पढ़ेंगे यहाँ पर, ये जो अरबाउना पढ़ेंगे ये मरफू पढ़ेंगे, क्योंकि ये मुक्तदा है, ये बाद में है, लेकिन मुक्तदा हालांकि आमतौर पर पहले होता है, मुक्तदा हमेशा पहले होता है और खबर हमेशा बाद में होती है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन ऐसे हैं कि खबर पहले आ जाती है, मुक्तदा को बाद में जाना पड़ता, तो अल मजल्ला की खबर है बस, ये अरबाउना जो है ना मुक्तदा है, और फी हादिल मजल्ला खबर है उसकी, ये याद रखिए उसको, एक मिनट में लिख लो, है नी, तो अरबाउना पढ़ना है हमने, अरबईना नहीं पढ़ना, ये याद रखिये उसको ना, तो फी हादिल है खबर, अरबाउना फी हादिल मजल्ला पूरा मिलकर जो है ना ये समझे कि वो खबर है, खबर वो ऐसा जहन में फिट कीजिए उसको, ताकि ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, अभी मोटा मोटा समझिए उसको, तो अरबाउना, अरबाउना जो है वो उसकी खबर मुक्तदा है, ये है ना जी, जार और मजरूर जहाँ पर भी आते हैं कि नहीं, फी हर्फ जर है कि नहीं, और हादी मजरूर है कि नहीं, जार और मजरूर हमेशा खबर होते हैं, अच्छा खबर होते हैं, ये रूल है हमेशा, जार और मजरूर हमेशा खबर होते हैं, मुक्तदा नहीं होते कभी भी, भले ही वो पहले आ जाए लेकिन खबर होंगे वो, तो यह खबर है, जार मजरूर खबर कहलाते हैं हमेशा, खबर की पोजिशन रहती है इनकी, मुक्तदा नहीं बनते, जारो मजरू कभी मुक्तदा नहीं कहलाते हैं, मुक्तदा नहीं बन सकते ये, है नहीं, तो खबर होता है, भले खबर जो है ना, अच्छा ये खबर है लेकिन पहले है यहाँ पर, तो खबर पहले आ सकती है, कोई मसला नहीं इसमें, तो है कि नहीं। चलिए जब मजीद जो है ना, जब आप आगे बढ़ते रहेंगे तो और क्लियर होगी बात, एक नंबर नहीं जीता चल गई ये, हाँ लेकिन जो जार मजरूर हमेशा खबर होते हैं, ये जी हमेशा खबर, जार मजरूर हमेशा खबर होते हैं, ये रूल पहले भी पढ़ा हमने, शिबुल जुमला कहते हैं ऐसे कंस्ट्रक्शन को, जार और मजरूर का दूसरा नाम शिबुल जुमला भी है, एक चीज के दो नाम होते ही कि नहीं जी, बिल्कुल, बहरन के भी दो चार नाम है, बिल्कुल, अवाल भी है, बहरन का एक नाम अवाल है, बहरन का एक नाम डिलमन है, टाइलस, टाइलस है, पुराने बहुत सारे नाम है, एक ही चीज के बहुत सारे नाम होते है ना, तो इसी तरह जो है ना जार और मजरूर कह रहे कि नहीं हम, तो जो भी लफ्ज जार और मजरूर होगा उसको शिबुल जुमला कहा जाता है, शिबुल जुमला, शिबुल जुमला है ना, इसी तरह इस्मुल ज़र्फ आपने पढ़ा हुआ है, हमने इससे पहले जिक्र किया इस्मुल ज़र्फ, हमने जिक्र किया इस्मुल ज़र्फ, लेकिन ज़र्फ ज़मान ज़र्फ वो भी जो है ना उसको भी शिबुल जुमला कहते हैं, इस्मुल जो ज़माने से, हाँ ज़र्फ ज़मान ज़र्फ इस्मुल ज़र्फ
इसम ज़र्फ भी जो है ना शिबुल जुमला होते हैं, सही है कि नहीं? तो बहरहाल इतना याद रखिएगा कि जार मजरूर हमेशा जो है ना जार और मजरूर फी हरफ जार है और ये हमेशा खबर की फी जार है बिल्कुल। और हाथ और देखो ऊपर देखिएगा फिश शहरी ऊपर, अच्छा आगे पढ़िए चलिए नंबर छह पढ़िए फिश शहरी। अब ये देखिएगा फी हरफ जार है जी बिल्कुल, तो अशहर जो है ना मजरूर है कि नहीं जी बिल्कुल, तो इसको जार मजरूर कहेंगे हम, ये तो पता जी क्या कहेंगे हम इसको जार मजरूर, जार कौन है मजरूर कौन है इसमें अशहर, नहीं नहीं जार कौन है इसमें और मजरूर कौन है इसमें, यानी हरफ जर जो है हाँ हाँ जार फी जो है ना जार है जार का मतलब जर लगाने वाला और मजरूर है और अशहर, हाँ अशहर जो है मजरूर है मजरूर, तो जार और मजरूर कहेंगे इन दोनों को मिलाकर क्या कहेंगे हम जार और मजरूर, जार और मजरूर कहते हैं हम इसको इस टाइप के इसको। और जार मजरूर का दूसरा नाम है शिबुल जुमला भी, शिबुल जुमला है नहीं जी, कभी कभी जो है ना अब्दुल्ला का नाम गुड्डू भी होता है घर में, अब्दुल नाम पासपोर्ट में नाम अब्दुल्ला होता है, महल्ले वाले गुड्डू और मुन्नू बोलते हैं उसको, होता है कि नहीं होता है सही। कभी सुना है आपने पाकिस्तान इंडिया में होता है आमतौर पर, यहाँ नहीं बोलते ऐसा है कि नहीं, अबे अबू और यहाँ पर भी होता है वो अब्दुल्ला, अब किसी का नाम होगा कुछ और ईसा और मूसा नाम होगा लेकिन उसको वो अब्दुल्ला वो मोहम्मद वो अहमद कहते हैं यहाँ पर, अब्दुल्ला को बात अबूद कहते हैं अबूद यहाँ पर है कि नहीं, ऐसा होता है कि नहीं सही। तो एक ही तो जार मजरूर का दूसरा नाम शिबुल जुमला भी है, एक ही बात है वो शिबुल जुमला कहेंगे तो जार मजरूर वो एक ही बात है, और जार मजरूर हमेशा शिबुल जुमला हमेशा खबर होता है, शिबुल जुमला हमेशा खबर खबर की पोजीशन में होता है भले ही पहले आ जाए लेकिन खबर होता है वो। तो फिश शहरी अब यहाँ पर क्या पढ़ेंगे हम, फिश शहरी महीने के अंदर कितने यौम होते हैं फिश शहरी, अब अदद बनाइए उसका लफ्जों में हरूफ में कन्वर्ट कीजिए 29 को कन्वर्ट कीजिए आप पढ़िए जो आता है दिमाग में वो पढ़िए, पढ़िएगा जो आता है दिमाग में पढ़िए उसका आपको जो जो बन पड़ता है पढ़िए, फिश शहरी हाँ राइट फिश लेफ्ट पढ़िए, तिसातु अशरीन इशरूना क्या पढ़ेंगे हम इसको, फिश शहरी तिसातु अशरूना यौमन तिसातु अशरूना तिसातु अशरूना, तिसातु को मुअन्नस क्यों पढ़ेंगे, यौमन जो है ना मुज़क्कर है है कि नहीं, अदद मादूद अदद हाँ अदद मादूद अदद का पहला हिस्सा हमेशा अपोजिट चलता है मादूद के है कि नहीं ठीक है, तो फिर शहरे तिसअतुम इशरूना तिसउम इशरूना नहीं कहेंगे अब हम, तिसउम इशरूना नहीं कहेंगे क्या कहेंगे हम तिसअतु इशरूना, हाँ क्यों तिसअतुन कहना हमने यौमन जो है ना मादूद जो है ना मुदक्कर है, मादूद मुदक्कर है तो तिसअतुन को अदद के पहले हिस्से को मुअन्नस इस्तेमाल करना, अब बात क्लियर होगी आपकी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, औ सलासूना यौमन और सलासूना यौमन, अब ये सलासूना देखिए इशरूना सलासूना अरबाउना ये मुदक्कर मुअन्नस नहीं बनता ये है ना, ये ऐसे ही रहता ये अपनी हर मादू चाहे मुदक्कर हो मादू चाहे मुअन्नस हो सलासून 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 ही रहेगा, इसका मुअन्नस नहीं बनाएंगे हम, ये उकूद में आते हैं उकूद है ये उकूद ये क्या है उकूद है, तो इसका मादू चाहे मुदक्कर हो चाहे मुअन्नस हो इसको सलासून 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 ही पढ़ना, सलासूना यौमन सलासूना लैलतन और दिन के अंदर कितने आवर्स होते हैं, दिन में कितने आवर्स होते हैं 24 आवर्स है ना, अ डे डे के अंदर कितने आवर्स होते हैं, तो अरबाउन अरबाउन कहेंगे यहाँ पर अरबातुन नहीं कहेंगे, लफ्ज साअतुन जो मादूद है वो क्या है मुअन्नस मुअन्नस है, तो मुअन्नस जब मादूद मुअन्नस होता है तो आदत का पहला हिस्सा क्या पढ़ेंगे हम मुदक्कर अपोजिट पढ़ेंगे उसका, तो हम क्लियर है बात इब्राहिम साहब जी, अरबाउन व इशरून साअतन कहेंगे है ना, अरबातुन व इशरून नहीं पढ़ सकते हम वो मुअन्नस है, हाँ अगर वो मुअन्नस है तो इसको मुदक्कर ही पढ़ना पड़ेगा हमें, ये बात क्लियर हो गई, ये हमेशा ये रोल हमें पता है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा वफी साअती और तीन दकीकतन सितूना सितूना नहीं सितूना सब मरफू चलेगा आगे मुअन्नस, और ये तो सितूना दकीकतन ये जो ये सितूना जी लेकिन सितना नहीं सितीना नहीं सितूना को पढ़ेंगे हम सितूना है ना मरफू पढ़ेंगे, वफी साअती सितूना दकीकतन दकीकतन और एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं 60 मिनट्स होते हैं, दकीका का मतलब क्या होता है मिनट, साअ का मतलब क्या होता है आवर है नहीं,
अच्छा वफी दकीकती समानून सानियतन, वफी दकीकती हाँ सितूना सानियतन, वफी दकीकती सितूना सानियतन, और मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं 60। तो देखिएगा यहाँ पर भी सितूना ही पढ़ेंगे हम, सितीना नहीं पढ़ेंगे, मरफू पढ़ेंगे यहाँ पर। तो देखिएगा घंटे के लिए क्या लफ्ज है सातुन, घंटे के लिए क्या लफ्ज है सातुन, और मिनट के लिए क्या लफ्ज है दकीकतुन, और सेकंड के लिए क्या लफ्ज है सानियतुन, सानियतुन ना, ये लिखा कि नहीं वफी दकीकत सितूना सानियतन, नहीं लिखा हुआ है, तो सेकंड के लिए सानिया, तो ये याद रखिएगा सानियतुन दकीका सानिया। अच्छा नंबर सात पढ़िए, नंबर सात पढ़िए, हाथी बुर्तकाल कितने, अच्छा हाथी शरूना बुर्तकालतन, इब्राहिम साहब बताइएगा, वली साहब ने सही बात कही कि हाथी इशरूना बुर्तकालतन कहा इन्होंने, हाथी इशरीना क्यों होगा आप बताइए, इशरूना क्यों होगा, आपने कहा कि हाथी इशरूना बुर्तकाला, तो आपने इशरूना क्यों कहा और आपने कहा कि हाथी इशरीना, आप बताइए अपना रीजन, आप बताइए अपना रीजन, क्योंकि यकूत में ये आगे मुतक्कर मोनस से इफेक्ट नहीं होते हैं। ओके, लेकिन मरफू और मंसूब तो हो सकते हैं, मुदक्कर मोनस तो नहीं होता है ठीक, लेकिन मंसूब और मरफू मंसूब मजरूर तो हो सकते हैं। जी जी, तो आपने क्या कहा हाथ इशरूना कहा आपने, तो मरफू कहा कि मंसूब कहा आपने कि मजरूर कहा, आपने क्या कहा मरफू कहा, आपने मरफू कहा हाथ इशरूना कहा आपने, और आपने क्या कहा हाथ इशरीना, आपने मंसूब पढ़ा इसको, पढ़ा इशरूना मरफू और इशरीना मंसूब, ये क्लियर है कि नहीं बात, तो आपने मरफू क्या समझ समझ में आ रहा है, मरफू हाथ इशरू ना होना चाहिए कि हाथ इशरी ना होना चाहिए, फिर अब तो हाथ इशरी ना समझ आ रहा है, आप बताइए क्या होना चाहिए आपके जहन से, हाथ इशरू ना होना मतलब हाथी का मतलब गिव ना, हाथी का मतलब गिव ना, हाथे लोकत अकता था खूब जन या लैला नहीं पढ़ा हमने, रोटी का टुकड़ा हाथी का मतलब गिव ना, गिव हाँ इससे पहले नहीं पढ़ा हमने, गिव ठीक है ठीक है, हमने लैला को कहा नहीं इसे पहले पढ़ा हाथी कित आता खुबजिन या लैला नहीं पढ़ा आप लोगों ने, रोटी का एक टुकड़ा भी लिया हो, जी जी हाँ, तो हाथी का मतलब गिव, ये फाइल में आ रहा है ना, तो हाथी जो फेल है ना, ये हाथी का मतलब गिव ना, हाथी फेल अश्रीन, तो इशरी ना पढ़ेंगे ना, इशरू नहीं पढ़ सकते ना, मफूल भी होगा ना, फाइल इशरीन किसी को काम कर सकता है, हाथी का मतलब दो, हाथी का मतलब दो, तो जो चीज दो क्या दो, तो जो चीज दो वो मंसूब ना है, नहीं तो मंसूब हो गया, इशरीना मंसूब है यहाँ पर, ठीक है हाथ इशरीना बुर्तकालतन, 20 ऑरेंज दे दे मुझे, ठीक है नंबर आठ पढ़िएगा, पढ़ो नंबर एट पढ़िए, नजहा तालिबन वरसब तालिबन, जी नजहा का मतलब होता है कामयाब होना, नजहा यंजहो का मतलब क्या होता है कामयाब होना, कामयाब होना, और फेल होने कहते हैं रसब या रसुब, दोनों लफ्जों को अंडरलाइन कीजिए और याद कीजिए अच्छी तरह, रसब यानी टू सक्सीड एंड टू फेल, फेल है कि नहीं, टू फेल या टू पास एंड टू एग्जाम पास करने को कहते हैं नजहा फिल इम्तिहान, टू पास द एग्जाम तो क्या कहेंगे हम, मैंने आई पास द एग्जाम तो क्या कहेंगे, कितने कितने हुए बताइएगा, 20 को तीन तालिबन, कितने है ये बताइएगा, ये 90 है, तो 90 को बनाइए, अच्छा 90 पढ़ेंगे कि 90 पढ़ेंगे, क्या पढ़ना चाहिए हमने, 90 मंसूब हो गया है, 90 ना क्या हो गया ये मंसूब, तो मंसूब क्यों पढ़ना चाहिए हमने इसको, नजह पास होना है वो, पास हो गए ना, नजह पास हुए कितने स्टूडेंट, वालेबन वाला सबह, ये मैं गलत 90 पढ़ना चाहिए, 90 पढ़ना चाहिए, 90 क्यों पढ़ना चाहिए 90, क्योंकि मरफू की हालत, मरफू की हालत में क्या क्या कैसे है मरफू की हालत में, क्योंकि इसमें कोई और वो नहीं नहीं, नजहा जो फेल है उसका फाइल बनेगा, फाइल बनेगा, नजहा जो फेल है उसका, नजहा कामयाब हुए, कौन कामयाब हुए, 90 तालिबन, नजहा फेल है तो फेल का फाइल है कि नहीं कोई, तो जो फेल का फाइल, हमेशा जब फेल देखिए तो उसका फाइल ढूंढिए, कम से कम फाइल ढूंढ के लगाइए उसको, जो है ना उसको मरफू कर दीजिए, सही, जब भी हम फेल देखेंगे वली साहब, जी जब भी जुमले के अंदर फेल नजर आए तो हमें क्या करना, उसका फाइल ढूंढना है, फाइल ढूंढना है, फाइल और हमें पता है कि फाइल क्या होता है, हमेशा मंसूब मरफू होता है, मंसूब नहीं, फाइल हमेशा मरफू हो जाएगा, और मफूल जो है ना, अच्छा नजह का फाइल होगा मरफू, मरफू है ना, तो नजह का फाइल है कि नहीं यहाँ पर,
नजहा कामयाब हुई तो नजहा जो फेल है उसका फाइल होना चाहिए नहीं, कौन कामयाब हुआ तो तिसऊना जो है ना ये मरफू पड़ेंगे हम, नजहा फेल नजहा का फाइल बनेगा ये यहाँ पर वरासबा अब पढ़िए आप क्यों पढ़ेंगे अब इशरीना यहाँ पर पढ़ेंगे क्यों पढ़ेंगे इशरूना वही बात है फाइल वही बात है रासाबा जो फेल है उसका फाइल है ये वही बात है यहाँ पर क्लियर है बात जी तो जब भी हम फेल देखे तो उसको क्या करना है हमने फेल के साथ उसका फाइल तो कम से कम ढूंढना ही पड़ेगा हमको और फाइल मिल जाए तो उसको मरफू पढ़िए है नहीं और कोशिश कीजिए कि उसका मफूल भी ढूंढिए फेल का और मिल जाए तो उसको मंसूब पढ़िए सिंपल सी बात है कि नहीं सिंपल एज दैट ऐसे बोलते हैं आप लोग अच्छा अच्छा नंबर 10 पढ़िए في هذه القرية 70 أسرة اچھا 70 پڑھیں گے کہ 70 پڑھیں گے 70 کیوں پڑھنا چاہیے 70 یہ فی هذه القرية تو فی کا اعراب جو ہے نا هذه پر چلا گیا اور هذه جو ہے نا کا اعراب جو ہے نا صرف قریا پر چلا گیا یہ بات یہاں پر ختم ہو گئی بات یہاں پر ختم ہو گئی بدل اور مبدل ملوں کے مل کر بات ختم ہو گئی فی حرف جر مبتدا کی خبر فی حرف جر بالکل فی کا اعراب کس پر پڑا بتائیے گا ہادہی پر پڑا اور ہادہی نے اعراب دھکیل دیا آگے قریا پر تو ہادہی القریا بدل اور مبدل ملو بالکل قریا کیا ہے بدل 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 کا مطلب اعراب لے لیا اس نے اس لیے بدل کہہ رہے ہیں اس کو ہے نا بالکل تو اب بات ختم ہو گئی اعراب کی اب یہاں کہانی ختم ہو گئی اب یہاں پر سبعونہ ہوگا یہاں پر یہ مبتدا ہے یہ سبعونہ مبتدا حالانکہ پہلے آتا ہے لیکن جو ہے نا کبھی کبھی بعد میں بھی چلتا ہے وہ چونکہ ہم نے بتایا کہ جار مجرور جو ہے نا ہمیشہ پہلے شبل الجملہ جو ہمیشہ خبر کی شکل میں آتا ہے لیکن خبر جو ہے نا بعد میں ہوتی ہے لیکن کبھی کبھی پہلے آتی ہے تو فی هذه القرية یہ سمجھو کہ بھائی مبتدا ہے یہ خبر ہے یہ جار مجرور شبل الجملہ خبر کہتے ہیں اس کو ہم نہیں یہ سبعون تو مبتدا ہے نا تو فی هذه القریہ کو خبر کہہ رہے نہیں ہم خبر ہے لیکن مقدم ہے وہ خبر ہے لیکن مقدم اور سبعونہ جو ہے نا مبتدا ہے لیکن مؤخر ہے وہ بعد میں یعنی مقدم پہلے مؤخر بعد میں ہے یا نہیں تو فی هذه القریہ فی حرف جر هذه مجرور جار مجرور کو ہم شبہ الجملہ بھی کہہ رہے ہیں جار مجرور کو ہم شبہ الجملہ بھی کہتے ہیں اور شبہ الجملہ ہمیشہ خبر ہوتا ہے جار مجرور ہمیشہ خبر ہوتا ہے تو فی هذه القریہ کو اس کو خبر کہیں گے ہم مبتدا نہیں کہیں گے مبتدا بعد میں اس کی آ رہی ہے مبتدا سبعونہ ہے ہے نا حالانکہ مبتدا پہلے آتا ہے لیکن کبھی کبھی جو ہے نا کبھی کبھی بعد میں بھی آ جاتا ہے کچھ رول ایسے تو یہاں پر بعد میں آیا ہوا مبتدا ہے نا چلیے تو فی هذه القریہ سبعونہ رول یہ ہے کہ نہیں تو چلیے نمبر 10 پڑھیے اور اسراتن ہے مفعول بھی ہاں مفعول نہیں معدود ہے نا اس کا سبعونہ جو عدد ہے اس کا معدود ہے اسراتن معدود ہے سبعونہ عدد ہے کہ نہیں اور اس کا معدود ہے اس کا معدود ہے اسراتن یہ اسرا کیا ہوتا ہے اسرا فیملی فیملی ہے نا 70 فیملیز فی هذه القریہ سبعونہ اسراتن اس گاؤں میں 70 فیملیز ہیں ٹھیک ہے مطعم الاسرہ ہے کہ نہیں یار اسرہ ریسٹورنٹ اور اسرہ وہی ہے فیملی اوکے فیملی ریسٹورنٹ ہاں الاسرہ کا مطلب فیملی یہ جمع یہ جمع ہے الاسرہ یہ جمع جمع نہیں واحد ہے نا اچھا واحد ہاں بس یاد رکھیے کہ اتنا اسرتن واحد ہے سبعون اسرتن اچھا نمبر 10 پڑھیے سنی سنن کا مطلب ہوتا ہے عمر ایج تو سنی میری عمر میری عمر ہاں کتنی ہے کتنے سال ثلاثون پڑھیں گے ثلاثین نہیں ہے ثلاثون جی جی سنی ثلاثون سنتن 30 ایئر سے نمبر 10 اب نمبر 10 میں کچھ بھی نہیں ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ نیچے جو چیزیں پڑھیے تو ہمیں پتہ ہے تو 21 کو ہم پڑھیں گے احدا و عشرون 22 کو پڑھیں گے اثنتان و عشرون ہے نا معدود چونکہ مؤنث ہے تو احدا اور اثنتان پڑھیں گے اور باقی جو ہے نا اپوزٹ چلے گا پھر ثلاث سے لے کر 23 سے لے کر 29 تک جو ہے نا اپوزٹ چلے گا عدد معدود تو دیکھیے گا طالبتن 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 سارا کچھ طالبتن معدود کیا ہے سارا مؤنث ہے تو مؤنث ہے معدود تو عدد کا پہلا ٹکڑا کیا پڑھیں گے مذکر پڑھیں گے تو ہم ثلاثوں عشرون پڑھیں گے ثلاثتوں عشرون نہیں کہیں گے کبھی بھی تو 24 اربعون عشرون طالبتن 25 خمسوں عشرون طالبتن پڑھیے گا آپ لوگ خمس وعشرون طالبتن ست وعشرون طالبتن ہاں
हाँ वो असल में क्या है, मरफू है वो, लेकिन जो है ना ये सब मनकूस है, बाद में बताया जाएगा आपको इसका फॉर्मूला क्या है। तो हाँ ये मरफू मजरूर नहीं है, ये असल में है समानी, लेकिन या गिर गई है, या गिरने की वजह समानिन पढ़ा जा रहा है, हाँ लेकिन वो मरफू है वो, है ना, बाद में इसका रूल बताएंगे आपको इसे मनकूस का। चलिए तो ये बात क्लियर है, इसमें मादूद मोहन्नस है तो आदत का पहला टुकड़ा हम क्या पढ़ेंगे, लेकिन 23 से लेकर 29 तक, लेकिन 21 और 22 के अंदर सेम सेम रहेगा। मादूद अगर मोहन्नस है तो आदत को भी जो है ना मोहन्नस इस्तेमाल करें, जैसे एहदा मोहन्नस है और उसका मुदक्कर आता है अहदुन, है ना, और इस्नतान ये मोहन्नस है और इतना ही कहना होगा। ये बात क्लियर है, नंबर 11 पढ़िए, ये पढ़ा जाए आगे या क्या आप लोग कैसे कहते हैं? अच्छा बस इसको खत्म कर दे, फिर खत्म कर दे इसे, चलिए फिर खत्म कर दे। 11 इकरा मा यली, नीचे नीचे उनको पढ़िए, सुम मक्तूब हो, फिर उनको लिखिए, मा किताबतिल अरकामी, जो नंबर से है उनको लिख कर, अलवारिदत फी है, यानी ये नीचे जो अल्फाज है, नीचे जो जुमले हैं, इनके अंदर जो अरकाम है नंबर से, उनको लिखे बिल हरूफ वर्ड्स में, एक्सरसाइज समझ में आ रही है? जी। नीचे जो जुमले हैं उनके अंदर जो अरकाम है, जो नंबर से, उनको हरूफ में लिखिए, वर्ड्स में लिखिए। तो फी हाज़ अल फ़स्ल, अब ये 31 को क्या लिखेंगे हम, अहदा व तलातून तालिबतन, अहदा पढ़ेंगे अब हम, है नहीं, अहद नहीं पढ़े, वाहिदुन नहीं पढ़ेंगे हम, वाहिदुन व सलासुन नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम, एहदा व सलासून तालिबतन, अहद मुदक्कर में आएगा, मुदक्कर आएगा, वाहिदुन जो है ना मुदक्कर में आएगा, वाहिदुन व इशरून, है ना, वाहिदुन व इशरून, और मोनस एहदा व इशरून, एहदा व सलासून, है ना। अच्छा नंबर 2 पढ़िए फिर, फिल यौम दिन में 24 घंटे होते, 24 आवर्स होते, तो अरबउन वईशरून पढ़ेंगे, अरबातुन नहीं पढ़ सकते अब यहाँ पर, है कि नहीं, ये अपोजिट आ जाएगा मादूद के, अब ये 2 से, अब ये हाँ 3 से लेकर ये रूल हमारा चालू हो जाएगा, 1 और 2 अलग है, इससे मुस्तस्ना है, बाकी है ना 23 से लेकर 29 तक, फिर ये रूल फिर वापस आ जाएगा। तो नंबर 3 पढ़िए, عندي 23 رب क्यों यहाँ भी मोनस इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आगे रुबैया है, वो मादूत जो है मोनस है, इसलिए उसका अपोजिट पढ़ रहे हैं, और यहाँ पर पढ़ रहे हैं व खमसतुन व अरबऊन, तो खमसतुन को मोनस क्यों पढ़ रहे हैं, मादूत मुदक्कर है, तो मादूत जो भी होगा उसका अपोजिट पढ़ेंगे, अदद का पहला टुकड़ा। नंबर 4 को पढ़िए, रईतुहु क़ब्ला, हाँ रईतु क़ब्ला, 22 को क्या कहेंगे हम, 22 को क्या कहेंगे, 22 को क्या कहना चाहिए हमने, अस्नतान, 22 को कहिए कुछ भी, किसी भी शक्ल में कहिए मुझे, 22 बोलिए, इस्नाने वईशरूना, या इस्नाइने वईशरूना, या इस्नताने वईशरूना, इस्नताइने वईशरूना, मुदक्कर की शक्ल में क्या पढ़ेंगे, इस्नाने वईशरूना, और या इस्नाइने वईशरूना मरफू मंसूब, है ना, और मौनस है तो इस्नताने पढ़ेंगे, है नी, इतनाने और इतनताने, मुदक्कर और मोनस दोनों का फर्क है कि नहीं, अब यहाँ पर इतनताने आएगा, अब यहाँ पर इतना, यहाँ पर जो है ना कबला मुदाफ है, और कबला मुदाफ है तो उसके बाद जो लफ्ज आ रहा मुदाफिल होगा, तो यानी इतनाने नहीं पढ़ सकते, इतने इतनताने नहीं, इतनताई नहीं, तो कबला के बाद क्या पढ़ना चाहिए, इतने या इतनताई, कबला के बाद क्या पढ़ना चाहिए हमने, इतने या इतनताई नहीं, अगर मुदक्कर होगा, अगर मुदक्कर पढ़ने की जरूरत पड़ेगी तो इतने पढ़ेंगे, और मोनस पढ़ने की जरूरत, मोनस पढ़ना है तो इतनता ही नहीं पढ़ेंगे, तो यहाँ पर क्या पढ़ना चाहिए, कबला इतना ही नहीं के कबला इतनता ही नहीं, इशरूना, कबला मुदाफे की नहीं, कबला मुदाफे तो बाद में जो सारा मुदाफिले हो जाएगा, तो इशरूना नहीं बल्कि इशरीना, मुदाफिले मजरूर,
नाफिल है इशरीन पढ़ेंगे, वो इशरून नहीं। तो रअयतुहु क़ब्ला इस्नतैन व इशरीन जो लफ्ज आ रहा मुदाफिल है और मुदाफिल मजरूर है तो इस्नतैन होगा, फिर इस्नतान नहीं होगा और इशरीन होगा, इशरूना नहीं होगा, इस्नतैन तो वाहिद और इतने वन एंड टू जो है ना सेम सेम पढ़ेंगे। चलिए नंबर पांच को पढ़िए, हाफिज हाफिज तो पढ़े 66 सूरा हाफिज तो जी हाफिज तो हाँ 66 को बोल के दे दिए, दिखाइए पहले सिर्फ 66 को बोलिए, कैसे भी बोलिए आप दोनों शक्ल में पढ़ सकते हैं। मुदक्कर की शक्ल में क्या पढ़ेंगे सित्तुन व सित्तूना, सित्तुन व सित्तूना, और मौनस की शक्ल में पढ़े सित्ततुन व सित्तूना, तो सित्तुन और सित्ततुन मुदक्कर मौनस, क्लियर है कि बात जी है नी। और मरफू मरफू है तो सित्तुन व सित्तूना, मंसूबा मजरूर है तो सित्तम मंसूबा तो सित्तम व सित्तीना, मजरूर है तो सित्तम व सित्तीना। अच्छा यहाँ पर क्या पढ़ना चाहिए अब हमने सित्तुन व सित्तीना, हफीजा जो फेल है उसका मफूल भी है ये हफीज तो मैंने याद किया हफीजा फेल तो फाइल तो मैंने क्या याद किया 66 सूरह सित्तुन व सित्तीना तो हफीजा मफूल पढ़ेंगे नहीं हम हफीजा फेल का, हफीजा जो फेल है उसका मफूल भी बन रहा है कि नहीं 66 तो मफूल भी बन गया कि नहीं है। अच्छा हफीजा जो फेल है तो 66 उसका मफूल बन गया कि नहीं, तो ये होगा मफूल भी मंसूब होगा कि नहीं, तो क्या पढ़ेंगे फिर मफूल भी मंसूब है तो मंसूब है तो कैसे पढ़ेंगे आप सित्तातुन व सित्तीना, ये बात क्लियर है कि नहीं, क्लियर 66 मंसूब है क्या मरफू पढ़ेंगे हम यहाँ पे मंसूब पढ़ेंगे क्योंकि हाफिजा का मफूल भी है ठीक है। अब मंसूब पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ना चाहिए हमने सित्तातुन व सित्तीना, सित्तम व सित्तीना, सित्तम व सित्तीना, सूरतन जो मादूद है मौनस है ना सूरतन मादूद, सूरतन जो लफ्ज है क्या है उसको नहीं चेंज कर सित्तीना, सूरतन जो है मादूद जो है मौनस है कि नहीं, तो अदद का पहला टुकड़ा मुदक्कर कर देंगे तो हम कहेंगे हाफिज तो सित्तम व सित्तीना, हाफिज तो सित्तम व सित्तीना, क्लियर है कि नहीं बात अभी हाफिज तो सित्तम व फार्मूला क्लियर है। चलिए नंबर 6 को पढ़ के देखिए फी सूरत रहमानी, फी सूरत रहमानी कितना है ये आदत बताइए पहले मुझे, किसी भी शक्ल में बोल के दिखाइए, मारो मंसूब मजरूर कुछ भी बोलिए मुझे बोलकर दिखाइए ये आदत क्या है, तो 78 है ये 78 को बोलकर देखिए आप किसी भी शक्ल में बोलिए आप, मरफू बोलिए मंसूब बोलिए मजरूर बोलिए समानिन व सबउन समानिन ऐसा पढ़ेगा, ये रोल बाद में बताऊंगा मैं आपको इसे मनखूस का समानिन व सबउन वेरी गुड। तो अब ये जो है ना ये क्लियर है बिल्कुल सही जुमला है ये, तो मरफू है तो समानिन व सबउन यहाँ पर मरफू है ना चूंकि खबर मुब्तदा है और फी सूरत रहमान ये खबर है जार मजरूर जुमला खबर अब आगे आने मुब्तदा हाँ फी हरफ जर जहाँ पर भी आ जाए तो जार मजरूर होता है कि नहीं वो जुमला बिल्कुल, और जार मजरूर को हम का दूसरा नाम क्या बताया हमने शुबुल जुमला, शुबुल जुमला है ना, तो जार मजरूर हमेशा खबर होता है वही जार मजरूर बोलो या शुबुल जुमला बोलो एक ही बात होगी वो खबर होती है हमेशा खबर होती है, जार और मजरूर हमेशा खबर खबर होती है खबर है ना, भले पहले आए चाहे भले बाद में आए लेकिन जार मजरूर हमेशा जो है ना खबर होता है, है ना। तो फिर जो है ना ये 78 जो है ना ये मुब्तदा है मुब्तदा है ना मुब्तदा मरफू अच्छा मुब्तदा भी मरफू होता है और खबर भी मरफू होती है, तो ये जब हालत है जार मजरूर मिलने के बाद जो है ना मरफू बनेगी ये अंदर से ये इनवर्डली मरफू है ये, हालांकि ऊपर से जार मजरूर है लेकिन अंदर से पोजीशन की वजह से ये मरफू है, खबर होने की पोजीशन है उनकी तो पोजीशन के एतबार से ये मरफू है भले ऊपर से जार मजरूर है। चलिए तो फी सूरत रहमान क्या पढ़ेंगे समानिन समानिन व सबउना आयतन, फी सूरत रहमान समानिन व सबउना आयतन 78 आयतें हैं इसमें सूरत रहमान। नंबर 7 को पढ़िए क़रातु, करा फेल है और तो उसका फाइल है तो करा का मफूल भी ढूंढना चाहिए कि हमने, जब भी फेल नजर आए तो उसका फाइल ढूंढने की कोशिश कीजिए मफूल ढूंढने की कोशिश कीजिए, तो करा फेल है तो उसका फाइल कौन है तो मैंने पढ़ा करा पढ़ा किसने मैंने तो उसका फाइल हो गया, तो क्या पहले जो चीज मैंने पढ़ी वो मफूल बन गया उसका मफूल भी हो गया उसका ना, तो ये होगा तो मैंने क्या पढ़ा
99 पढ़ा मैंने, तो 99 मफूल भी बन गया फिर। बिल्कुल 99 जो लफ्ज है वो क्या बन गया? मफूल, मफूल भी बन गया। मफूल भी हमेशा मंसूब आता है, तो इसको मंसूब पढ़ेंगे। अब 99 को किस शक्ल में पढ़ना है हमने? मंसूब बताइए मंसूब पढ़ना है कि नहीं? हमने मफूल भी होने की मंसूब पढ़ना है कि नहीं? तो मंसूब तिसअन पढ़ेंगे कि नहीं? क़रातु तिसअन व तिसईना सफहतन। तिसअन व तिसईना सफहतन। वली साहब क्लियर है जुमला? बिल्कुल। क़रातु तिसअन व तिसईना मंसूब पढ़ना है मफूल भी के जैसे, तो हम पढ़ेंगे तिसअन व तिसईना, तिसअन व तिसईना सफहतन। और मादू चूंकि सफहतन मुअन्नस है इसलिए तिसअन पढ़ेंगे, तिसअतन नहीं पढ़ेंगे। ये भी बात क्लियर है कि नहीं? क्लियर हो या तो तिसान है या तो तिसातन है। हाँ, या तो तिसान पढ़ेंगे या तो तिसातन पढ़ेंगे, मुज़क्कर या मुअन्नस। तो तिसान पढ़ना चाहिए कि तिसातन पढ़ना चाहिए? रून के एतबार से तिसान पढ़ना चाहिए, क्योंकि सफातन मुअन्नस है। लफ्ज़ सफातन जो कि मादूद है मुअन्नस है, तो मादूद मुअन्नस है तो इसको मुज़क्कर पढ़ देंगे, तो तिसान पढ़ेंगे तिसातन नहीं। तो क़रातु तिसान व तिसईना सफातन। नंबर 12 की एक्सरसाइज पढ़िए और इंशाल्लाह ये खत्म हो गया दो मिनट में। इंशाल्लाह देखिएगा तामल मायली नीचे जो जुमले पर गौर कीजिए, हमने ये पैटर्न पढ़ा हुआ है। ला अकल तू वला शरीब तू, मैंने ना तो खाया ना तो पिया, नाइदर नॉर वाला स्ट्रक्चर है, तो इसको याद रखना है नी। ज़ालिका तालिबु, अच्छा ये देखिएगा हमेशा माजी के साथ इस्तेमाल होता है डबल लाम। लाम किसके साथ? रिपीटेड होगा तो माजी के साथ इस्तेमाल होगा, मुदारे के साथ नहीं। ला अकल नहीं कहेंगे, ला अकल तू वला शरीब तू, ना मैंने खाया ना तो पिया, है कि नहीं? नंबर 2 का जुमला ज़ालिका तालिबु, वो स्टूडेंट है ना। ला हफिज अद्दर्स वला कतब अलवाजिब, उस स्टूडेंट ने ना तो सबक याद किया ना तो होमवर्क किया। तो देखिए कितना अच्छा जुमला है ना। आप कहेंगे कि मैंने ना तो लेसन याद किया ना तो होमवर्क किया, तो आप हम कहेंगे ला हफिज तो अद्दर्स वला कतब तुल वाजिब। हम अपने बारे में कैसे कहेंगे? ला हफिज तो अद्दर्स वला कतब तुल वाजिब, ऐसा कहेंगे हम, है कि नहीं? क्लियर है बात? तो ला और ला, मैंने ऐसा ना तो मैंने ऐसा किया ना तो मैंने ऐसा किया। नंबर 3 ला दराबानी वला दरबतुहु, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? ना मुझे मारो ना उसको मारो। नहीं नहीं नहीं, फेले नहीं नहीं है ना, फेले नहीं नहीं है ना, डोंट बीट मी ला, नहीं नहीं ला, ला ये फेले नहीं ना थोड़ी मैंने है। मार ना ला मैंने मारा, फेले नहीं वाला थोड़ी है, ला तदब वाला नहीं है ना ये, ना मैंने उसे मारा। वली साहब ये जो ला है वो फेले नहीं वाला नहीं है ना, ला तधब ला तजरीब, मत मारो तो ला तजरीब होगा ना, वो तो ला ताकुल ला तशरब ला तफहम ला तक्तुब ला तकरा, वो तो फेले नहीं वाला पैटर्न दूसरा है, वो तो ये फेले नहीं नहीं है ना ये तो ना उसने मुझे मारा बनी वाला बरब तो हूँ ना उसने मुझे मारा ना मैंने उसे मारा। ऐसे नहीं कि ला तजरीब नहीं थोड़ी है ये, इधर देखिएगा मुझे मत मारो तो क्या कहेंगे? ला तदरीब नहीं, ऐसे कहेंगे हम, ला दराबा नहीं तो नहीं कह सकते हम, है कि नहीं? तो दराबा के अंदर हुआ की फाइल है जो के फाइल है उसकी, ला दराबा नहीं वला दरबतुहु, ना उसने मुझे मारा ना मैंने उसको मारा। कंफ्यूजन क्लियर है आपका वली साहब? जी बिल्कुल। वो जो आप जो पढ़ रहे हैं कंफ्यूज हो गए, वो फेले नहीं बोलते उस पैटर्न को, लिखो तो क्या कहते हैं? चलिए अब, चलिए अब आपका जो है ना 5 मिनट और ज्यादा लूंगा मैं, वरना आप भी खत्म कर देता था मैं। चलिए लिखो तो क्या कहेंगे? उक्तुब। और मत लिखो तो क्या कहेंगे? ला तक्तुब। ये ला तक्तुब जो कह रहे हैं ये फेले नहीं का पैटर्न है। मारो तो क्या कहेंगे? इद्रिब। और मत मारो तो क्या कहेंगे? ला तद्रिब। तो ला तद्रिब जो है ये फेले नहीं का पैटर्न है, तो यहाँ पर ला तद्रिब तो नहीं है ना? नहीं। हाँ, तो सुकून आता है कि नहीं? तो ये फेले नहीं का पैटर्न नहीं है, बल्कि बस ये ला और ला वाला पढ़ा है, ना नाइदर नॉर वाला है। तो ला द्वारा बनी वाला द्वारा तो हूँ, ना उसने मुझे मारा ना तो मैंने उसको मारा। नंबर 4 पढ़िए, सारा पढ़े। ला रानी, रानी ला रानी वाला रायतु, रा का मतलब क्या होता है? देखना, देखना। तो अब इसका मतलब क्या होगा फिर? ना रानी वाला रायतु, उसने मुझे देखा। हाँ, ना मैंने उसे देखा। ला रानी, ला रानी रा के अंदर हुआ, उसने मुझे देखा ला रानी, ला रानी ना उसने मुझे देखा, वला रायतु ना मैंने उसको देखा, हु वला रायतु हु, तो रा फेल तो फाइल हु मफूल भी। देखिए रायतु हु,
तो इसके अंदर तीन चीजें, फेल भी है, फाइल भी है, मफूल भी। देखिए इतने टुकड़े में बताइएगा मुझे, राई तो के अंदर फेल कौन है, फाइल कौन है, मफूल? रा फेल है, तू फाइल, और मफूल हु, हु मफूल भी। देखिएगा ये फेल भी है और इसमें फाइल भी है, इसमें मफूल भी है, राई तो हु के अंदर। क्लियर होगी किन बात? तो जब हम समझ के पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह बात क्लियर हो जाएगी। अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि इदा दखलत ला अलल फ़ेल माज़ी वजब तकरारुहा, जब ला जो है ना फ़ेल माज़ी पर इस्तेमाल करते हैं तो उसको रिपीट करके पढ़ते हैं। क्या फार्मूला है? जब ला रा को जब लफ्ज ला जो हर्फ ला है कि नहीं जी, ला को जब माजी के साथ इस्तेमाल करते हैं तो रिपीट करके पढ़ना पड़ता है। ला अकला वाला शरीबा, ला जहाबा वाला जा आ, ला फहमा वाला हफिदा, सही। तो उसको रिपीट करना पड़ता है। ला फहमा नहीं बोल सकते, मा फहमा बोलना पड़ेगा। ओके ओके, मैंने ना तो समझा ना तो याद किया, देखिएगा। अच्छा, मैंने नहीं समझा तो बताइए पहले जुमला मुझे, बस क्लियर है। मैंने याद नहीं किया तो क्या कहेंगे? तो देखिए हम ये कह रहे हैं माँ इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं यहाँ पर, मैंने नहीं समझा माँ फहीम तो, मैंने याद नहीं किया माँ हाफिज तो। लेकिन अगर आप जुमले को हटा दीजिए, आप ये कहिए कि मैंने ना तो समझा ना तो याद किया, अब ये पैटर्न दूसरा हो गया कि नहीं? ना तो आला हो गया, नैदर नॉर नीदर नो। तो ना तो मैंने समझा ना तो मैंने याद किया, तो कैसे कहेंगे आप यहाँ पर? माँ नहीं कहेंगे आप यहाँ पर, ना तो मैं समझा ना तो मैंने समझा ना तो मैंने याद किया, तो क्या कहेंगे हम यहाँ पर? ला हफिज, अब यहाँ पर मान ही कहेंगे, ला कहेंगे यहाँ पर, और दो बार ला 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 हफिज तो, ला हफिज ला फ, नहीं नहीं ला तो मैंने समझा ना तो मैंने याद किया, ला हफिज तो वाला ना से ला, ला फहिम तो वाला हफिज तो, हाँ ला फहिम तो वाला हफिज तो, ला फहिम तो वाला हफिज तो, मैंने ना तो, मैंने ना तो सबक समझा ना तो याद किया, ला फहिम तो दरसा वाला हफिज तो हूँ, ला फहिम तो दरसा वाला हफिज तो हूँ, ना तो सब मैंने सबक समझा ना तो मैंने सबक याद किया। क्लियर है कि नहीं ये फंडा? ये रूल क्लियर हो गया अभी? ला और ला वाला, ला सद्दका वला सल्ला वलाकिन कज़्ज़बा व तवल्ला। तो देखिएगा माज़ी पर लाम दाखिल हुआ तो दो बार आता है, रिपीट होता है हमेशा, और या यूं कह सकते हैं कि ना मैंने ऐसा किया, ना मैंने ऐसा किया, ना उसने ऐसा किया, ना उसने वैसा किया, ना उसने झाड़ू मारी, ना उसने खाना बनाया। हाँ जी, ना उसने झाड़ू मारी, ना तो उसने ना तो खाना बनाया। ला का नसा वाला तबाखा, ऐसी ही नहीं, तो माजी पर इस्तेमाल होता है ये, और रिपीट करते हैं। तो ये बात होगी अलकलिमातुल जदीदा, न्यू वर्ड से पढ़िए इसको, अल्फाज को पढ़िए, माना मालूम है कि आपको बताइए, पढ़ लिया। इज्तिमा उनको जलम है, मीटिंग, और पढ़िए कसतुन स्टोरी कहानी, उसके जमा कसतुन, उसके बाद नबीयून, उसके जमा नबीयून प्रॉफिट, प्रॉफिट नबीयून के जमा नबीयून और अंबिया दोनों आती है, दोनों आती है। उसके बाद पढ़िए सानियतुन, सानियतुन का मतलब क्या पढ़ा आपने? सेकंड, सेकंड, उसकी जमा आती है सवानिन, सवानिन, ठीक है, ठीक है। चलिए उसके बाद असरतुन, उसरतुन, उसरतुन फैमिली, उसरतुन का मतलब क्या होता है? फैमिली, उसकी जमा क्या आती है? उसरुन। अभी देखिएगा उसरतुन की जमा आ गई आपके पास, उसरुन, उसरतुन वाहिद है, उसकी जमा उसरुन। उसके बाद पढ़िए जायजतुन, जायजतुन, उसकी जमा क्या आती है? जवाइजु, जवाइजु, हां ममनू मिन सरफ लब जवाइजु, अच्छा है ना, जवा मसाजिद के बदन पर है ना। अच्छा, नजह यंजहु का मतलब क्या होता है? कामयाब होना, सक्सेस है ना, टू पास, यंजहु उसका नजह यंजहु माजी मुदारे, नजह यंजहु कौन सा बाब है बताइएगा? नजह यंजहु फतह यफ्तहु, फतह यफ्तहु, फतह यफ्तहु। वली साहब जिन्होंने सही बताया कि फतह यफ्तहु, नजह यंजहु, आपके दिमाग में क्या फिट होता है बताइए मुझे, सही, आप अपना माइंड बताइए। सही है, सही है, अच्छा सही है, बिल्कुल सही है। तो रसा बाय यरसुबु कौन सा होता है? फेल होना, फेल, रसा बाय यरसुबु कौन सा बाब है ये? रफा यरसुबु, रसा बाय यरसुबु, नसा बाय यनसु, नसा बाय यनसु। कातुन का मतलब होता है हॉल, कातुन का मतलब क्या होता है? हॉल, उसकी जमा क्या आएगी? काआतुन। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्फाज जो है ना सारे याद रखना आपने, जी बड़े काम के अल्फाज है ये, है ना, ये सारे अल्फाज याद रहेंगे तो बुक थ्री के अंदर बड़े काम आएंगे हमें ये, तो वापस आप लोगों को फिर वही नजह और रसबा बुक थ्री में भी याद करवाना पड़ेगा मुझे, और कातुन फिर यहाँ आ चुका है वहाँ पर भी याद करवाना पड़ेगा आपको, जायदतुन यहाँ गया वहाँ पर भी याद करवाना पड़ेगा, उसरतुन यहाँ गया वहाँ पर भी याद करना पड़ेगा, तो आपको जो है डबल काम करना पड़ेगा, वहाँ पर भी वही काम करना पड़ेगा, अभी मेहनत कर लेंगे तो अगर आप अभी याद करेंगे तो बुक थ्री के अंदर जो है ना आपका बर्डन कम हो जाएगा फिर, वरना वहाँ तो याद करवाना ही पड़ेगा, वरना छुट्टी नहीं मिलेगी। चलिए इसे इक्तफा करते हैं, सुभानक अल्लाहुम्म व बिहमदिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।